मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आप बोलेंगे क्या हम इन व्यवस्थाओं को बदल पाएंगे? हमारा तो संकल्प है कि हम बदल पाएंगे। अब आपका संकल्प क्या कहता है वो आपको तय करना है। हम तो मानते हैं कि हम बदल पाएंगे, आप भी मानते हैं कि बदल पाएंगे, तो आप हमारे साथ आ जाइए। आपको लगता है कि नहीं बदल पाएंगे तो आप किनारे खड़े होकर देखिए, जब व्यवस्थाएं बदलने लगेंगी तब साथ आ जाइए। हमारे देश में जब 1942 का आंदोलन हुआ भारत छोड़ो, तो गांधी जी से बहुत लोग पूछते थे क्या अंग्रेज भारत छोड़ देंगे, तो गांधी जी यही कहा करते थे कि तुम साथ में आ जाओगे तो जल्दी छोड़ देंगे, नहीं आओगे तो भी अंग्रेज तो भारत छोड़ेंगे ही, तुम्हें अफसोस होगा कि भारत छुड़वाने में तुम शामिल नहीं थे। वही जवाब हमारा है। अब गांधी जी को अगर इतना आत्मविश्वास था कि अंग्रेजों से भारत हम छुड़ा लेंगे, तो हमको यह विश्वास है कि इन काले अंग्रेजों से भी हम इस भारत को छुड़ा लेंगे। इस व्यवस्था को तो हम बदल ही लेंगे, और इसकी शुरुआत हमने की है, पहला कदम हमने उठाया है, और वो पहला कदम हमारा यही है कि भारत देश में भ्रष्टाचार की, लूटखोरी की जो व्यवस्था बन गई है, इसको हम पहले ठीक करना चाहते हैं, दुरुस्त करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं की जड़ यही है, भ्रष्टाचार, लूटखोरी। तो आप बोलेंगे इसको कैसे ठीक करेंगे? इसके कई आयाम हैं ठीक करने के, उसमें से एक आयाम ये है कि हम भारत देश के नेताओं ने और अधिकारियों ने पिछले 62 साल में इस देश को जो लूटा, और लूटा हुआ धन जो विदेशी बैंकों में रख दिया है, उस धन के बारे में हम इस समय अध्ययन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। हमको पता चला कि भारत के नेताओं ने पिछले 62 साल में जो धन लूटा है इस देश में से और विदेशी बैंकों में रखा हुआ है, वो धन बहुत बड़ी राशि है। स्विट्जरलैंड की 36 बैंकों में ही जो जमा है वो 1,500 अरब डॉलर है, और ये आंकड़े मेरे नहीं है, स्विट्जरलैंड की बैंकों का जो एसोसिएशन है उनके द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं कि भारत के भ्रष्ट नेताओं का उनके देश में 1,500 अरब डॉलर जमा है। एक बार स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति भारत आए थे, उन्होंने दिल्ली में एक व्याख्यान में ये कहा था कि भारत देश को कटोरा लेकर कहीं भी भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हमारे ही देश के बैंकों में भारत के भ्रष्ट नेताओं का इतना पैसा है, अगर इसे भारत वापस मंगा ले तो भारत सोने की चिड़िया तो है, हो जाएगा। खुद उनके प्रेसिडेंट ने कहा दिल्ली में आके, तब से हमारे कान खुले और आंखें खुली कि स्विट्जरलैंड का प्रेसिडेंट क्या बोल रहा है। फिर खोजते गए तो पता चला वहां खाते हैं नेताओं के, अधिकारियों के, उन खातों में 1,500 अरब डॉलर है, अगर इसको रुपए में बांट दिया जाए तो ये धन 75 लाख करोड़ रुपए है, 75 लाख करोड़ रुपए का मतलब समझते हैं? भारत सरकार की कम से कम 10 पंचवार्षिक योजनाएं इसमें चल जाएंगी, इतना धन है। 50 साल इस देश के विकास का काम हो जाए, इतना धन है। ये धन सारा हमारे देश से लूटकर विदेशों में जमा किया गया। और अभी थोड़े दिन से और एक जानकारी मिली, वो ये कि स्विट्जरलैंड के अलावा दुनिया में कुछ और देश हैं, जैसे छोटे छोटे देश हैं, एक पनामा नाम का देश है, बहुत छोटा सा देश है, वो टैक्स हेवन कंट्री है, वहाँ टैक्स नहीं है इसलिए सारा काला धन लोग वहाँ जमा करते हैं। एक छोटा सा देश है उसका नाम है गिनी बिसाऊ, एक छोटा सा देश है उसका नाम है लीचेस्टन, एक छोटा सा देश है उसका नाम है ट्रिनिडॉड, एक छोटा सा देश है उसका नाम है टोबैगो, ऐसे छोटे छोटे कई देश हैं, वहां भी भारतवासियों का धन जमा है, और वो 35 लाख करोड़,
माने कुल मिलाकर 110 लाख करोड़ रुपए इस देश की लूट का धन विदेशी बैंकों में है। हम पहला काम जो करने जा रहे हैं वो यही है कि ये जो विदेशी बैंकों में रखा हुआ 110 लाख करोड़ का धन है, ये भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है और हर हालत में इसे भारत वापस लाना ही होगा।